बुधवार को शहर के एक मोबाइल विक्रेता की दुकान में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। 3 में से 2 आठवीं कक्षा के स्टूडेंट है, जबकि 1 आठवीं करके पढ़ाई छोड़ चुका है। पुलिस ने आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसके भीतर की कुछ लड़कों ने एक दुकान, मोबाइल संचालक की दुकान के ऊपर जाकर उससे मार पिटाई की थी, दुकान में घुस के, और उसके ऊपर कातिलाना हमला भी किया है, जिसके भीतर की हमने कल FIR नंबर 660 दर्ज की, जो कि धारा 148, 149, 323, 452, 427 और 307 IPC के तहत दर्ज की गई है। इस मामले के अंदर हमने आज सुबह 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तीनों जुवेनाइल हैं, और बाकी बचे हुए 2 आरोपियों को भी आज शाम तक संभवतः गिरफ्तार कर लिया जाए। को वजह बताई गई है सर, किस वजह से उन्होंने हमला किया दुकानदार? इनका आपस में मोबाइल के सामान को, कुछ एसेसरीज को लेकर आपस में तुतु में मन। तो सर कुछ हथियार वगैरह बरामद हुए जिनसे इन्होंने हमला किया? इनसे जो हथियार हमले के दौरान प्रयुक्त किए गए थे वो बरामद किए जा रहे। कितने आरोपी हैं सर टोटली? टोटल 5 आरोपी हैं, कुछ अभी और सामान बकाया बरामद करना है, बाकी अभी चाकू जो है वो बरामद किया जा चुका है। SP दीपक सारन ने कहा कि 8वीं कक्षा के बच्चों का इस तरह हिंसात्मक होना काफी चिंताजनक है, अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के व्यवहार में यदि उन्हें कोई परिवर्तन दिखाई दे तो उनकी संगत पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही किसी अच्छे काउंसलर से उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए। फतेहाबाद से साहिल रुखाया की रिपोर्ट।